कक्षा 12 वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 80 अंक, और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाला 6 नंबर के। पहला आपका दिया है वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ, तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा बावला चीन में। दूसरा आपका दिया है जूज रचना किस भाषा में लिखी गई है, तो दूसरे में लिखना होगा अवला मराठी। तीसरा देख लीजिएगा जीटोट शब्द का अर्थ है, तो इसमें आपको लिखना होगा सवला जेठ का पुत्र। चौथा देख लीजिएगा बख्तीन गले में पहनती थी, तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बवला कंटी माला। पांचवा देख लीजिएगा किस रस को रसराज कहा गया है, तो पांच में लिखना होगा बवला संगार रस। छीटा आपका दिया है दिन जल्दी जल्दी डलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, तो इसमें आपको लिखना होगा सवला परिवार से बिछड़ने के कारण। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा पतंग की पतली कमाने किसकी बनी होती है, तो पहले में लिखना होगा बांस की, बांस की आपको लिखना है पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं मैं कौन सा अलंकार है, तो दूसरे में लिखना होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा बाजारवाद, बाजारवाद आपको लिखना होगा तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए में भी कैसा शब्द है, तो चौथे में लिखना होगा निपात, निपात शब्द है। पांचवा आपका दिया है यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो पांच में लिखना होगा कुमाऊं। और छठा देख लीजिएगा समाचार लेखन के कितने प्रकार होते, तो छठे में लिखना होगा छह आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है कवि ने हार कर बात को किल की तरह ठोक दिया, तो बिल्कुल नहीं असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है कविता एक वर्णिक छंद है, तो बिल्कुल नहीं है असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार है, तो बिल्कुल नहीं है असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है लोकोक्ति को कहावत दी कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया पांचवा बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य। और छठा आपका दिया छठा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़े का मिलान करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में आने वाले 7 नंबर के। तो सही जोड़े का मिलान कर लीजिएगा कविता के बहाने, इसमें आपको लिखना होगा कुंवर नारायण। मधुशाला, तो इसमें आपको लिखना होगा हरिवंश राय बच्चन। 3-3 होना मतलब इसमें लिखना होगा बिकर जाना। पहलवान की ढोलक, इसमें आपको लिखना होगा पनेश्वर नाथ रेणु। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, इसमें आपको लिखना होगा व्यतिरेक अलंकार। होम थानवी, इसमें आपको लिखना होगा अतीत में दबे पाव। मुद्रित माध्यम की विशेषता, इसमें आपको लिखना होगा शब्दों का स्थायित्व। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना होगा, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाला 7 नंबर के। पहला देख लीजिएगा कवि बच्चन किसका गान करते, तो इसमें आपको लिखना होगा कवि बच्चन मन का गान करते, ये आपको लिख देना है। दूसरा देख लीजिएगा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो दूसरे में लिखना होगा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। तीसरा देख लीजिएगा बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है, तो तीसरे में लिखना होगा निबंध विधा, निबंध विधा में बाजार दर्शन लिखा गया है। चौथा देख लीजिएगा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम कौन है, मतलब नाम क्या है, तो चौथे में लिखना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दिया है पांचवा वाला
संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसमें आपको लिखना होगा 33। और आपका चेटा दिया है किशन दा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे, तो चेटे में लिखना होगा बाऊजी। सातवां देख लीजिएगा, स्तंभ लेखन लेखन का प्रमुख रूप है, तो साथ में लिखना होगा सकारात्मक, सकारात्मक आपको लिखना है। अब आप सभी दो दो तीन तीन एवं चार चार नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा छठा प्रश्न दिया है प्रयोगवाद की कोई दो विशेषता प्रवृत्ति आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है नई कविता की कोई दो विशेषता प्रवृत्ति आपको लिखना है, तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से जाग रहे होंगे, इसके बारे में आपको बताना है, अथवा देख लीजिएगा सांसों के तारों से कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या अभिप्राय है, यह आपको बताकर लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, संधि अलंकार की परिभाषा उदयन से आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है सवेया छंद की परिभाषा उदयन से आपको लिखना है एवं प्रकार बताना है। नौवां देख लीजिएगा, जिसमें आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर बताना होगा, और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताना है। दसवां देख लीजिएगा, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी, इसके बारे में आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है अतिवी की बल। आपका ग्यारहवां देख लीजिए, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है, और अथवा आपका दिया है बारिश के ना होने पर गांव की हालत कैसी थी, इसके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। और बारहवां देख लीजिएगा, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताना है, और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को नाटक और एकांकी में अंतर बताना है। तेरहवां देख लीजिएगा, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताने होंगे दो, और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताना है। चौदहवां देख लीजिएगा, सिल्वर वेल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ था, और अथवा आपका दिया है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता आपको बताना है। पंद्रवा देख लीजिएगा, पंद्रवे के बाद आपका सोलहवा प्रश्न दिया, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर साय का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचना आपको लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। सत्रहवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें महादेवी वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचना आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अठारहवा देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, भाव विस्तार करके लिखना है किसी एक का, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। उन्नीसवें प्रश्न में क्या करना होगा, अपटित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर देना है। तो देख लीजिएगा, आपका पहला दिया, पहले में आपको शीर्षक बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा स्वच्छता अभियान भारत, ये आपको पहले का उत्तर लगा देना है। और दूसरा देख लीजिएगा, स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, लघु का विलोम आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा वृद्ध, वृद्ध आपको लघु का विलोम बता देना है। और बीसवें देख लीजिएगा, बीसवें में क्या करना होगा, पद्यांश को पढ़ना है, पद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग एवं काव्य सुंदर आपको लिखना है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। इक्कीसवां देख लीजिएगा, इक्कीसवें में आपको गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग एवं विषय सहित लिखना है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और बाईसवां देख लीजिएगा, बाईस में क्या करना होगा, अपने जिले के जिला अधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा, और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को एक बधाई पत्र लिखना है। तेईसवें प्रश्न में क्या करना होगा, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिख देना है 150 शब्दों में। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर एक से लेकर पांच तक के उत्तर पहले बता दिए, अब आप सभी छह से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। छठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को छठे का अतिवेग उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। सातवें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को सातवें प्रश्न का अतिवेग उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा आठवें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संधि अलंकार की परिभाषा लिखना है, और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा आठवें प्रश्न का अतिवेग का उत्तर। आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा नौवें प्रश्न का उत्तर, नौवे के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा नौवे प्रश्न का अतिवेग का उत्तर।
और आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर दसवां, तो यहाँ पर दसवीं का उत्तर आपको मिल जाएगा। दसवीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को दसवीं का अतिवेग उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर, ग्यारहवीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा ग्यारहवें प्रश्न का अतिवेग का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा बारहवें प्रश्न का उत्तर, जिसमें जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखना है। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को बारहवें प्रश्न का अतिवेग उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा तेरहवें प्रश्न का उत्तर, जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा तेरहवें प्रश्न का अतिवेग का उत्तर। और आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा चौदहवें प्रश्न का उत्तर, चौदहवें के बाद आप सभी देख लीजिएगा चौदहवें प्रश्न का अतिवेग का उत्तर। और आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा पंद्रहवें प्रश्न का उत्तर, और आप सभी देख लीजिएगा पंद्रहवें प्रश्न का अतिवेग का उत्तर। और आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा सोलहवें प्रश्न का उत्तर, सोलहवें के बाद आप सभी देख लीजिएगा सोलहवें प्रश्न का अतिवेग का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा सत्रहवें प्रश्न का उत्तर, सत्रहवें के बाद आप सभी को सत्रहवें प्रश्न का अतिवेग उत्तर यहाँ पर दिया है। और आप सभी देख लीजिएगा अठारहवें प्रश्न का उत्तर, अठारहवें के बाद आप सभी को यहाँ पर बीसवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। बीसवें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को बीसवें का अतिवेग उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा इक्कीसवें प्रश्न का उत्तर, इक्कीसवें के बाद आप सभी को इक्कीसवें प्रश्न का अतिवेग उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर बाईसवें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा बाईसवें के बाद। इस प्रकार से ये हमारा हिंदी का पेपर हो जाएगा कंप्लीट फुल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।